रूस के हमलों के बीच अब अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए नया प्लान बनाया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा है कि अमेरिका अब रूसी उद्योगपतियों की संपत्ति बेचकर यूक्रेन की मदद का प्लान बना रहा है और उसकी नजर अब रूस के उन अरबपतियों पर है जिनकी संपत्ति अमेरिका में है और अब वो इन्हीं संपत्ति के बहाने रूस को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। लगाए गए प्रतिबंधों की परवाह की उन्होंने, जो एक बार ठान लिया उसके बाद उसे करके ही दम लिया। हालांकि यूक्रेन में जारी युद्ध के लंबा खींचने की वजह से उनके फैसले पर कई सवाल भी उठे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना रुके यूक्रेन पर हमले जारी रखे। इस दौरान अमेरिका ने लाख कोशिशें की लेकिन वो रूस को नहीं रोक पाए, जिसके बाद अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे रूस की मुश्किल बढ़ सकती है। रूस के अरबपतियों पर अमेरिका की नजर। रूसी अरबपतियों की जब्त संपत्ति बेचेगा अमेरिका, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिए गए बयान में रूस के अरबपतियों की संपत्ति को लेकर जो बयान दिया, अगर वो अमल में आया तो रूस के अरबपतियों की मुश्किल तय है। सबसे बड़ी बात ये कि बाइडेन ने न सिर्फ इनके संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं बल्कि इनसे मिलने वाले पैसे से यूक्रेन की मदद करने का भी दावा कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बाइडेन के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। रूस के अरबपतियों की लिस्ट बनेगी, अमेरिकी संसद में पेश होगा प्रस्ताव। अमेरिका रूस पर लगाम लगाने के लिए जो कार्रवाई करने की सोच रहा है उसके लिए अमेरिका के ट्रेजरी और न्याय विभाग की भी मदद ली जाएगी। फिलहाल अमेरिकी कानून केवल नियमों के खिलाफ कमाई गई संपत्ति या पैसे को जब्त करने की अनुमति देता है। इसके इस्तेमाल को लेकर नियम सीमित हैं, जिसके लिए अमेरिका एक प्रस्ताव भी लाने की तैयारी कर रहा है जिसमें जब्त की गई संपत्ति का पैसा यूक्रेन की मदद के लिए भेजने की अनुमति दी जाएगी। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन